हूँ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अल इमाम वेलफेयर सोसाइटी के बानी और अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी साहब। दर्शकों, जैसा कि जानते हैं आप, बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, बात मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर हो या अभी हाल ही में जौनपुर में कल रात जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा घर में रखे ताजियों को तोड़ा गया, उनकी बेहुर्मती की गई, या फिर लखनऊ में या प्रदेश में धर्मगुरुओं की जो भूमिका है उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करते हैं अल इमाम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी साहब की तरफ। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में या हम एक साल की बात करें, ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं जिसे लेकर जो धर्मगुरु हैं या जो उलमा हमारे हैं उनकी जो एक भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हुए, और कल जो जौनपुर के थाना शाहगंज इलाके में एक बार घटना हुई है जिसमें तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, ताजियों को पुलिस प्रशासन तोड़ा जा रहा है, हालांकि उस मामले में वहां के दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। पहला रिएक्शन तो इस मामले पर देखिए, क्योंकि 15 अगस्त से पहले तो मैं तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि पूरा देश जो है इस बार जिस तरीके से लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है, इस बार ये सांप्रदायिक और जो भ्रष्टाचार से मुलव्वस लोगों से हैं उनसे इस देश को आज़ाद कराएगा। अब बात आपके सवाल की यहाँ तक के है कि इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन को देख के तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश में की जा रही है। जैसे आपको याद होगा कि बाराबंकी में मस्जिद गिरा दी गई थी, उसमें SDM जो है ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होकर वो अपनी ये जो है वो गुड बुक में लाने के लिए सरकार के उन्होंने इस तरीके के काम किया गया, और सरकार का उनको इतना ज़्यादा तहफ़ हासिल है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर जाकर वो उसी तरीके का कारनामा अंजाम देते हैं। हाल में आपने देखा होगा कि कानपुर में किस तरीके से एक रिक्शे वाले को जो है मारा गया, और घर एक घरेलू झगड़े को लेकर उसको सांप्रदायिक रूप देने की बात हुई, जब 3 लोग पकड़े गए तो उनको थाने से ही छोड़ दिया जाता है। अभी मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर जो हमारा इतना पाक महीना है जिसमें इंसान जो है इबादत करता है, दुखों से लबरेज रहता है कि इतनी बड़ी जो है घटना घटी इस्लाम में और उससे इबरत हासिल करता है, उस महीने में इस तरीके की गाइडलाइंस लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने जिस तरीके से निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम करने की बात करी कि कोरोना में जो है कि वही लोग फैला रहे हैं, कोरोना बम बना दिया, उसी तरीके से आपने शिया हजरात शिया कम्युनिटी जो ताज़िया रखते हैं, जो मजलिसें करते हैं, जो जुलूसें निकालते हैं, जो आप पे मरते थे कि आपने उनके जुलूसों को जो है इजाज़त दिए, आपने उन्हीं की भावनाओं को आहत कर दिया, और उससे साथ साथ हर उस शख्स को जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है उसको आपने आहत किया इस बात पे कि वहाँ जो है जिनाकारी होती है। बताइए, मजलिसों में जहाँ इबादत हो रही है वहाँ आप जिनाकारी की बात कर रहे हैं, ये और उसके बाद हुकूमत उस पुलिस वाले उस DGP को कुछ करती नहीं है, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि हुकूमत को पूरा उनका संरक्षण है? और हाल में कल जो जिस तरीके से पुलिस जाती है और ताजिए पे जो है लातों से तोड़ती है, बताइए, ये तो हर मुसलमान की इस वक्त कलेजे जो है छन्नी हो गए कि इमाम हुसैन के ताजिया रखा है, उस पर लातें मारी जा रही हैं, तो एक तरीके से वो हर मुसलमान के सीनों पे लातें मारी गई हैं, और ये निहायत अफसोसनाक है, शर्मिंदगी है, और यहाँ तक कि योगी जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और उस शख्स को सिर्फ लाइन हाजिर नहीं, उसको उसका जो है पुलिस फोर्स से उसको निकाल देना चाहिए कि जो वो किसी की भावनाओं को, वो भी इमाम हुसैन हर मुसलमान की जान है, उस पर हर मुसलमान अपनी जो है जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकता है, आप वैसी शख्सियत और वैसी अजमत वाले चीज़ के जो भी नाम मंसूब है उस पर अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हैं तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तमाम उलमाओं को, चाहे वो किसी फिरके को, भले ताजियों को रखना उसको सही मानते हों ना मानते हों, उन सबको इस वक्त आगे आकर इस मुहिम में साथ देना चाहिए, और इस हुकूमत को बताना चाहिए कि हम सब एक हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा एक काम है।
एक सवाल ये, जैसा कि देखा गया कि जब से योगी सरकार आई है तमाम ऐसे मामले हुए, चाहे वो रामसनेही घाट पर मस्जिद डेमोल्यूशन का मामला हो या मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद को गिराया जाने का मामला हो, और जिस तरह से गाइडलाइन आई उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए सरकार की तरफ से गए हैं शिया कम्युनिटी पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कौम पर, क्योंकि मुहर्रम का एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं और याद हुसैन को लेकर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे उलेमाओं की भूमिकाओं की, बात कर रहे जो बात नकवी साहब की हो या फिर मौलाना साहब बाबा, और सज्जाद नोमानी साहब भी अभी एक मुसलमानों की सरबराही के लिए गए हैं, दिल्ली में गए, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही उनसे क्या लगता है आपको कि जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी उलेमा हैं, वो एक ख़ास कम्युनिटी के लिए ना काम करके सियासत की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? देखिए, उलमाओं का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, और ये कहा भी गया है कि उलमाओं की इज़्ज़त करिए, अज़मत करिए, क्योंकि उलमाएँ जो हैं वो जानशीन रसूल हैं, और उलमाओं का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वक्त ख़ास तौर से जब सारी मुसीबतें और परेशानियाँ आई हुई हैं, चारों तरफ से घेरी जा रही हैं, उसमें उनकी वो रहनुमाई करें, और रहनुमाई करने के लिए वो जिससे चाहें वो मिलें, बिल्कुल छूट है, लेकिन वो मिल रहे हैं, वहाँ मिल के क्या कह रहे हैं वो कौम को बताना भी उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बताएं कि हम गए थे, मिले हैं, ये बात कही है, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, ताकि कौम की माइंड में क्लियरिटी आए और कौम कन्फ्यूज़ ना हो कि भाई हम किधर जाएं, क्योंकि 22 का जो इलेक्शन आने वाला है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुसलमानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे देश की जो राजनीतिक दिशा को ये दिशा प्रदान करने वाला इलेक्शन है, इसमें उलमाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हर उलमाओं को चाहिए कि वो ख़ास तौर से अपने उनके मानने वालों को वो बिल्कुल सचेत रखें, और ऐसी कोई बात ना आ पाए जिससे लोगों के अंदर मन में जो है वो तरह तरह के वहम और चीज़ें पनप सकें, क्योंकि उलमाओं की इज़्ज़त जो है अगर उसमें कहीं भी बात आती है तो वो पूरे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है। उलमा हमारी शान है। जहाँ रही बात सज्जाद नोमानी साहब, बहुत ही मज़हब, बहुत ही अहम शख्सियत के मालिक हैं, और वो अखिलेश जी से मिले हैं, तो उनको आवाम को बता देना चाहिए कि उन्होंने क्या मुतालबा किया और किन किन बातों पे कौम के लिए उन्होंने उनसे बात कही, और अखिलेश जी ने क्या कहा कि वो उस चीज़ों को करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है अगर कौम की बात है तो वो खुलेआम आनी चाहिए, क्योंकि कौम को पता चले और कौम उस तरीके से काम कर सके ताकि जो है आगे इलेक्शन में जो है कुछ बेनिफिट हो सके। चलिए इमरान साहब, जैसा कि आप देखते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं रहा है, ऐसे में अलग अलग पार्टियों की जो अपनी भूमिका है, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस या बसपा या फिर असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोकते नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो एक अपना रिप्रेजेंटेशन रहा है, जो वोटर्स यहाँ के हैं वो लगभग 20% के आसपास हैं, तो हर पार्टी चाहती है कि मुसलमानों को अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन जितने भी दल हैं वो मुस्लिम समाज के लिए उन मुद्दों पर न बात करते नज़र आते हैं, सिर्फ सियासत की रोटियां सेकते नज़र आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुस्लिम 20% ऑफिशियली हैं, लेकिन जो है उससे ज़्यादा तादाद हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और RSS ने एक ज़मीनी माहौल बनाया है कि आज मुसलमान जो है वो अछूता हो गया है, हर पार्टी उनसे कतरा रही है, यहाँ तक कि ये हो रहा है, आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है आज़म खान, जो उनके इतने बड़े जो है ज़िम्मेदार और उनके जो है वो शुरुआती दौर के जो है वो नेता हैं, जो इनसे जो है मुसलमान चेहरा हैं, उनसे वो कतराई हुई दिख रही है, उनके लिए वो चीज़ नहीं कह पा रही है, खुल के नहीं सामने आ पा रही है, तो ये दर्शा रहा है किस तरीके का माहौल बना दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब 22 का इलेक्शन आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हिकमत के तौर पे इस तरीके की चीज़ हो रही है, मैं इस चीज़ को नकारता हूँ कि मुसलमान एक एज अ वोटर है, एक एक वोट हर एक का कीमती है, और उस वोट की जो है अहमियत है, अगर हमको अगर निगलेक्ट करके, हमको बिल्कुल अलग करके जो है सब लोग आपस में बांट के और जो है इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो बिल्कुल जीत सकते हैं, अगर किसी का भी वोट उसको चाहिए तो उनके लिए उनको बताना पड़ेगा कि वो उनके लिए क्या चाहते हैं,
ये सिर्फ नहीं है कि नहीं नहीं मौजूदा हुकूमत आपके खिलाफ है तो लिहाजा आप हमको वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं बिल्कुल चलेगा। और यही फैक्ट है जैसे ओवैसी साहब लेके आ रहे हैं कि जो है डिप्टी सीएम होना चाहिए, ये ठीक है जब और प्रदेशों में 5-5 डिप्टी सीएम हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, तो अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम हो जाए तो क्या उनसे हर्ज है? हम ये नहीं कह रहे कि होना ही चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह नकारना और उससे उनको इतनी बुरी बुरी बातें कह देना ये जायज़ नहीं। और उनका भी कहाँ तक कि ये रोल है कि वो इस चीज़ को लाके वो कौम के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, वो भी अभी सामने नहीं है। बस सिर्फ क्योंकि दूसरी पार्टी कौम मुसलमानों की बात नहीं कर रही है तो मुसलमान ये सोच रहा है ज़मीन स्तर पर कोई तो है जो मेरी बात कह रहा है। तो ये बड़ी पार्टियों को इस वक्त नसीहत है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी हैं वो विपक्ष यूनाइट होकर, चाहे वो BSP हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो अगर वो सेकुलर कहते हैं तो उस सेकुलर फैब्रिक में मुसलमान भी एक अहम वोटर है, उसके 19% है, तो उनकी कुछ चीज़ें हैं, महंगाई उसको भी परेशान करती है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी रोज़गार चाहिए, वो जबरन फंसाया जा रहा है, वो उस पर ये तमगा लगा है कि ये पर्टिकुलर पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो इस हुकूमत में उन पर जबरन केसेस ठोके जा रहे हैं, वो परेशान किया जा रहा है, तो उनकी कौन उनका क्या पॉलिसी बन रही है? क्या ऐसा कोई लॉ बनेगा कि जो भी अगर गैर बिना किसी जुर्म के किसी को फंसा दिया जाता है और उसको बाद में रिहा होता है तो जो फंसाता है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी? या उनके जो 8-9 साल जो बर्बाद होंगे, दो साल बर्बाद हो जाते हैं किसी की ये ज़िंदगी, तो उसके लिए उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा? ऐसा एक कानून पास करे सरकार, जो भी आने वाली हो, जो भी सेकुलर फैब्रिक वाली सरकार है, वो इस तरीके के कानून लाए, मुसलमान साथ दे। तमाम इश्यूज़ हैं, नौकरियों की ये बात है, उसमें मुसलमानों का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, मुस्लिम की जो 18-19% जो GDP में किस तरीके से मुस्लिम डेवलपमेंट पे खर्च होगा, ये एक मसौदा सामने तो आए, उसके बाद जाए। हमको सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान डिप्टी सीएम हो जाए तो हम भागे चले जाएंगे, नहीं नहीं ये तो BJP के ख़िलाफ़ यही हुकूमत में आने वाले हैं इसलिए हम पागलों की तरह उनके से, मुसलमान को इस तरीके से बिल्कुल नहीं रिएक्ट करना चाहिए। मुसलमान को इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उसी के साथ जाना चाहिए जो उसकी बात करे, जो उसके लिए एक मंसूबा बनाए 5 साल में, उसको वो कैसे डेवलप करेगा, उसकी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकता है, वैसी पार्टी के साथ मुसलमान को जाना पड़ेगा। और अगर कोई डरता है कि नहीं नहीं हम ऐसा करने पे मुसलमान हिंदू वोट हमारा अलग हो सकता है, तो मुसलमान को खुद ब खुद उस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। चलिए बहुत आपको देखा, अभी हमसे बात हुई अल इमाम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी साहब, जिस तरह से मामलात सामने आते चले जा रहे हैं, धर्म को लेकर एक प्रहार हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की भूमिका की बात करें तो किसी भी दल की पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो सिर्फ सियासत का रोजगार करता है, सियासत या सत्ता की का कारोबार करता है, आम जनता से उसका सरोकार कहीं ना कहीं पर दिखाई नहीं देता है। और जो मामले आ रहे हैं धार्मिक स्थलों को डिमोलिशन को लेकर या ताज़े मामले अभी आए हैं, इसके लिए भी प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सोचना होगा कि सरकारें ऐसी आए जो जनता के हितों में काम करें और हर धर्म, हर वर्ग और हर संप्रदाय को साथ लेकर चले। जिस तरह से पिछले हम 2 दशकों की बात करें या बीते 7 सालों की बात करें, केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, तो इस पर भी हमें विचार करना होगा। तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बोलती हैं। दर्शकों से एक अपील ये भी है कि सिंधु टाइम की हर छोटी बड़ी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। सिंधु टाइम्स हमेशा सच्ची तस्वीरें और सच्ची खबरों के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है और आगे भी प्रदेश की जनता के हितों के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने आता रहेगा। देखते रहिए सिंधु टाइम्स।